नरेंद्र सिंह तोमर एडवोकेट। अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन किसी प्रकार का केस ई फाइलिंग की केस को देखे जाने की और किसी प्रकार का आवेदन देने की 2400 घंटा सुविधा उपलब्ध है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज इस फिल्म में हम आपको भारत सरकार से विधिक सहायता और सेवा कैसे प्राप्त करें, इस पर यह फिल्म दिखा रहे हैं। जो लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं, महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं या अन्य कोई व्यक्ति है,
जो कि विधिक सेवा का पात्र है और गरीबी रेखा के अंदर आता है या फिर अन्य किसी प्रकार से वो इस प्रकार से बुजुर्ग है या लाचार व्यक्ति है जो कि किसी भी कोर्ट से उसको न्याय नहीं मिल रहा, पुलिस सहायता नहीं कर रही या अन्य कोई बात है या लोक अदालत है या वहाँ पे मीडिएशन ढंग से नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रही या कोई और दिक्कत है, तो आप जो है भारत सरकार से विधिक सेवा और सहायता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार ने प्रोबोनो एडवोकेट के जरिए यह सहायता उपलब्ध करवाई है। तो इसका तरीका ये है, दो तरीके हैं कि एक ये वेबसाइट है जो हम आपको दिखा रहे हैं भारत सरकार की, सर्विस प्लस के नाम से। इस वेबसाइट का आप www.serviceonline.gov.in इस पर वो खोल सकते हैं और इसमें आप देखते हैं एक साइड में जो लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा है कि रजिस्टर योर सेल्फ, तो इस पर आप क्लिक करें, फिर आपके सामने ये जो फॉर्म है ये दिख रहा है, ये खुल जाएगा और इसमें आप अपना ब्यौरा भर दें। पूरा ब्यौरा भरने के बाद में नीचे इसमें सबमिट लिखा हुआ है, सब ब्यौरा जब भर देंगे तो उस पर क्लिक कर दें तो आपका अकाउंट इसमें बन जाएगा और आपके ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पे आपकी पुष्टि का वो पहुंच जाएगा। इसमें कैपेचा कोड होता है, ये ध्यान रखें, तो इसको रिफ्रेश कर लें सबमिट करने से पहले, ये सबमिट पर क्लिक जब करें क्योंकि कई बार देर हो जाती है तो वो कैपेचा कोड बदल जाता है और फॉर्म गायब हो जाता है भरा हुआ। फिर उसके बाद में आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपका अकाउंट जैसे तैयार हो गया, ईमेल में पुष्टि पहुंच चुकी और आपके फ़ोन पर पुष्टि हो चुकी, तो अब आप जो है इसमें आप ये लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करेंगे तो ये दिख रहा है, ये दिखेगा, तो यहाँ ये अप्लाई फॉर सर्विस लिखा है, देखिए मीनू में जो हम दिखा रहे हैं, और यहाँ व्यू सर्विसेज लिखा है, तो ये आपके सामने सर्विसों की लिस्ट खुल जाएगी जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं उपलब्ध करवाती हैं ये। तो इन सेवाओं को आप प्राप्त करने के लिए ये जो शो बटन है, शो बटन पे जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ 100 कर लें, 100 करने के 100 नंबर कर लें और 100 पूरी सेवाओं में यहाँ 75 नंबर पर लीगल एड सर्विस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें या फिर जो है ये जो अप्लाई लिखा है इसके सामने उस पर क्लिक करें, चाहे लीगल एड सर्विस पर क्लिक करें और चाहे अप्लाई पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने फिर एक अन्य फॉर्म खुलेगा लीगल एड सर्विस का, वो देखिए ये खुल रहा है, तो इस प्रकार से ये फॉर्म खुल गया, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये लीगल अफेयर यानी कि भारत सरकार का जो न्याय विभाग है और भारत सरकार का विधि और न्याय मंत्रालय है, ये उसका फॉर्म है विधिक सहायता प्राप्त करने का। इसमें आप अपना सब पर्सनल ब्यौरा भर दीजिए जो पूछा है उन्होंने। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपका एक कॉलम आता है कि आप किस प्रकार की विधिक सहायताएँ चाहते हैं, तो ये पहला कॉलम है, वो पहला बिंदु है कानूनी सलाह प्राप्त करना, यानी क्या आप प्रोबोनो एडवोकेट से केवल कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ और, तो उस पर राइट मार दीजिए। दूसरा है इसमें कि कानूनी दस्तावेज तैयार करना, यानी कि यानी एडवोकेट को जो दस्तावेज तैयार करने होते हैं उसके बारे में, और उचित फोरम में या उचित न्यायालय में केस प्रस्तुत करना, या किसी केस में आप फंसे हुए हैं या आपके विरुद्ध कोई केस है आपको न्याय नहीं मिल रहा उसमें बचाव करना चाहते हैं, तो बचाव के लिए भी विधिक सहायता मिलती है। तो आप उन चारों बिंदुओं पर राइट करने के बाद या फिर नीचे फिर प्रोबोनो एडवोकेट का ये कॉलम है, तो इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली आपके क्षेत्र के प्रोबोनो एडवोकेट का नाम पता वो नाम मोबाइल नंबर और सब ब्यौरा भर के अपने आप आता है, इसमें आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके सामने जो एक वो बना है चौकोर निशान, उसमें यस जो लिखा है तो उसको राइट पे जरूर क्लिक मार दें।
उस पे यस पर क्लिक मारें तो आपका वो प्रोबोनो एडवोकेट का ये तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे ये कैपेचा कोड है, तो कैपेचा कोड को भी रिफ्रेश कर लें, रिफ्रेश करके फिर भरें, क्योंकि इस फॉर्म को भरते में देर हो जाती है। तो वो जो आप विधिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो वो जो आपने जो चीज़ें चुनी हैं, इसमें चार प्रकार की चीज़ें हैं, कानूनी सलाह प्राप्त करना, दूसरा जो है कानूनी दस्तावेज तैयार करना, और तीसरा जो है किसी मतलब अदालत में, फोरम में या किसी, ये इसमें तालुका कोर्ट जिसको तहसील कोर्ट कहते हैं, वहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कहीं तक भी का केस हो उसमें सहायता ये प्राप्त की जा सकती है। और उसमें बचाव भी करना हो किसी के, कोई केस आपके खिलाफ हो तो उसमें भी आप विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है उसी साइड में जाके एप्लीकेशन स्टेटस एक मीनू में कॉलम दिया रहता है, उस पर क्लिक करें और तारीख चयन कर लें, किस तारीख से किस तारीख के बीच में आपके एप्लीकेशन की क्या स्थिति है। तो ये देखिए इस तरह से वो पूरा ब्यौरा आ जाता है, और फिर उस ब्यौरे में आपके केस की पूरी डिटेल दी हुई होती है कि वो किस स्थिति में है। जैसे अगर आपका आवेदन जो है चालू हो चुका है, उस पर कार्यवाही चल रही है, तो इनिशिएटेड लिख के आएगा इसमें, तो उस पर कार्यवाही जारी होती है और उसकी कोई समय सीमा नहीं होती, ये ध्यान रखने की बात है। ये प्रोबोनो एडवोकेट पे निर्भर करेगा कि वो अपनी कार्यवाही किस हिसाब से लीगली तौर पे यानी विधिक तौर पे वो उसको पूर्ण करे। तो वो एक लोक अदालत के तौर पे मीडिएशन के माध्यम से या स्वयं अपना दोनों पक्षों के बयान लेके अपने स्तर पे निराकरण कर दे, या फिर चाहे तो फिर वो उसकी नज़र में ऐसा लगता है कि ये मुकदमा तो अदालत में जाना चाहिए, उचित कोर्ट में जाना चाहिए। अब उचित कोर्ट कौन सा होगा ये फैसला प्रोबोनो एडवोकेट करता है। अब वो उचित कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, तहसील जिला न्यायालय हो सकता है, या हाई कोर्ट हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो जब केस का इन्वेस्टिगेशन करता है प्रोबोनो एडवोकेट, उसके बाद में उसे पता चलता है इसकी व्यापकता कितनी है, इसकी गंभीरता कितनी है, कितना संगीन है या कितना हल्का मामला है, तो उस हिसाब से वो निर्णय लेता है और किस स्तर पर किस न्यायालय में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो पहले वो मीडिएशन की प्रक्रिया, मध्यस्थता की प्रक्रिया, एक माध्यमस्थ वो प्रक्रिया के जरिए वो दोनों पक्षों के बयान ले करके और समझाइश के आधार पर, एक अच्छी सलाह के आधार पर पहले प्रकरण का निराकरण करने का उत्तम सर्वोत्तम प्रयास जो रहता है कि मामला अदालत तक न जाए, वहीं सुलझ जाए, तो वो प्रयास करता है वो। और जब वो प्रयास असफल रहता है तब वो फिर मामले को फिर उचित न्यायालय में या जहां भी उसे लगता है क्या कार्यवाही इसमें की जानी चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर इस केस को निपटारा किया जाना चाहिए या जो है कि अदालत के द्वारा करवाया जाना चाहिए, तो वो फिर उस कदम की ओर बढ़ता है और आपको आखिरी तक वो न्याय दिलवाता है। तो यह इसकी प्रक्रिया है, और आप चाहें तो GwalliorTimes.in पर क्लिक करके इसमें निशुल्क प्रोबोनो एडवोकेट विधिक सहायता लाल अक्षरों में लिखा है, वहाँ पर क्लिक कर दें तो फेसबुक पे आप पहुँच जाएंगे, और फेसबुक के इस ग्रुप में आप अपनी समस्या या शिकायत दर्ज कर दें, लिख दें, तो वो प्रोबोनो एडवोकेट यानी मुझ तक पहुँच जाएगी, तो हम भी अपने स्तर पर मामला दर्ज कर दें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।